ECIL नई भर्ती 2021 लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट तैयारी में। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके, खुशखबर की बात करें तो BECIL एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। BECIL यानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में बात करने वाले, इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी, इसमें आपके किन किन पदों पर भर्ती होने वाली है, इसमें आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, इसमें आपका चयन कैसे होगा और सैलरी कितनी मिलने वाली है, कंप्लीट हम बात करने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों, हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या जानकारी निकल कर आ रही है और कैसे आपको अप्लाई करना है, इसमें आपकी लास्ट तारीख क्या रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन बताया गया, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर 96 दिया गया है। इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलोइंग मेन पावर रिप्योरली इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डिप्लोमेट ऑफ ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी यहाँ पर दिया गया ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष GPO कॉम्प्लेक्स बी ब्लॉक यानी कॉलोनी न्यू दिल्ली के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहाँ पर आप 4 नंबर पर देख पा रहे हैं ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना होगा। इसके बाद हम बात कर ले आपके लास्ट तारीख यानी आपके फॉर्म है वो ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जाकर भी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर लास्ट डेट सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन यानी आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 10 तारीख रहने वाली है, यानी 10 दिसंबर इसमें आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया इसे अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस लिंक पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपकी किन किन पदों पर यह भर्ती होगी, तो मैं बता दूँ बहुत सारे पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोस्ट नेम यहाँ पर दिया गया है। 1 नंबर यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की यहाँ पर आपको 32 पोस्ट मिल रही है, जिसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके मिनिमम 10वीं पास रखी गई है। यदि आप इसमें 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, यानी इसमें आपकी जो सैलरी है वो 17,537 रुपये पर मंथ आपकी रहने वाली है। यहाँ पर 2 नंबर पर आप देख पा रहे हैं हाउस कीपिंग स्टाफ के, यहाँ पर आपके 20 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 5वीं पास रखी गई है, यानी अगर आप 5वीं पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी जो मंथली इनकम है वो आपको जो सैलरी है वो 15,908 रुपये इसमें यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर मालिक के भी यहाँ पर एक पद दिया गया, यानी मालिक के पदों पर भी एक वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पर इसमें आप 5वीं पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, यानी आप 5वीं पास है तो मालिक के पद पर भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी जो इन सैलरी है वो यहाँ पर आपकी अच्छी खासी रहने वाली, यानी पर मंथ आपको 15,908। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सुपरवाइजर के पदों पर भी आपको एक पोस्ट मिल रही है, यानी एक पोस्ट पर आपकी भर्ती होगी। यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन है यानी आपकी कॉलेज कंप्लीट हो गई है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी रखा गया। इसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है, यानी आप 20,900 रुपये पर मंथ रहने वाली है और समय के साथ आपकी यहाँ पर सैलरी बढ़ने वाली है। यहाँ पर गार्बेज के कलेक्टर यहाँ पर भी आपको एक पद दिया गया, यानी आप 5वीं पास है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर भी आपकी सैलरी 15,908 रुपये रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट की, तो मैं इसमें बता दूँ में आपकी एज लिमिट मिनिमम 18 साल से और अधिकतम 40 साल से रखी गई है, यानी आप 18 साल से लेकर 40 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब ये थी दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आपके यहाँ पर MTS और मालिक के पदों पर अच्छी खासी वैकेंसी है, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद जाकर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।